शहर देती है भैया कहते हैं ना Subscribe now and press the bell icon. पहला ही गेम यहाँ पर निशाने के साथ यहाँ पर शुरुआत किया है रवि साहब ने. रवि मैदान के ऊपर आसमान में सूरज को अपना किरण दे ही रहा है. क्या रवि ये चाहत को दिखा रहे थे? लिपस्टिक की बात तो गई अपने अनोखे अंदाज में. आप ये सर ने प्यार से कह रहे हैं जिस तरह से जान बूझ के इस शॉट को खेला है क्या गजब का ये शॉट खेला है. दर्शनीय शॉट सुदाम को प्रचार का शॉट यहाँ पे और इस शॉट में सुदाम का CLASS क्लास लिखा. चलिए इस बार ये कमबैक है. यहाँ पर कमबैक किया है माफी जरा रवि ने. क्या गजब क्रिकेटबाजी यहाँ पे पूरी तरह से कपाल में गई और गेंद को बिल्कुल नहीं पड़ पाए हैं. चौथा चक्कर लगाया रवि यहाँ पर टॉस के अंदर लेकिन यहाँ पर देखिए हाइट का भय जमाते हुए ऊंचे तक का खिलाड़ी अनेक मौके तैनात है. तमन फ्रॉम होगली गजब का यहाँ पर फील्डिंग में पट्टे को मिला है अनेक के द्वारा. चलिए अंत भला तो सब था. शुरुआती गेंदों में महंगा जरूर साबित हुए थे लेकिन महंगाई के बाजार में भरपाई किया है रवि साहब ने. रवि रन को रोका है यहाँ पे. फर्स्ट ओवर की समाप्ति एक ओवर की समाप्ति के बाद उसके बोर्ड में 9 रन 9 विथ लॉस ऑफ 1 विकेट. देखिए ऑफ भारतीय गेंद सफल करके थोड़ा अंदर आए थे. बोलपुर के खिलाड़ी हिस्टोरिकल प्लस से आते हैं शांति निकेतन से आते हैं विशाल. क्या तरह के मैदान पर कुछ कमाल करेंगे बिल्कुल करेंगे. भैया रविंद्रनाथ टैगोर को सुनहरा भूमि से आते हैं तो कहीं ना कहीं दर्शकों को निराश नहीं करेंगे. विशाल विशाल फिर एक बार भैया दिल मांगे मोर. भैया टीम का जरूरत था और जरूरत के वक्त यहाँ पे चौका लगा है. चलिए इस बार जानबूझ के अपने पैर को खोला था लेकिन वापसी करते हुए कमबैक करते हुए टुबा मैचुअल गेंदबाज दिग्गज गेंदबाज गति है इनके पास वेरिएशन है इनके पास. रिवर्स आएगा और भैया ये कहना पड़ेगा कि चीते की चाल बाज की नजर और विशेष दिल में कम है. ये शॉट क्या है भैया जाइए और जाके इस शॉट को फ्रेम करके अपने घर के दीवार में टांग दीजिए क्योंकि ये शॉट आपको दोबारा देखने नहीं मिलेगा. ये दरअसल ये शॉट है ये खूबसूरत शॉट है. शॉट देखिए भैया कहते हैं ना आगाज कैसा भी हो फर्क नहीं पड़ता है अंजाम अच्छा होना चाहिए और अंजाम यहाँ पे अच्छा है क्योंकि बल्लेबाज. चलिए फिर एक बार यहाँ पर आपका कमबैक देखिए. कमबैक इज बिगर देन सक्सेस. क्रिकेट हो फुटबॉल हो वॉलीबॉल हो हर स्पोर्ट्स में कमबैक बहुत जरूरी होता है तो कमबैक किया है बीजू साहब ने. इस बार देखिए उस्मान खुश होंगे ऊपर आसमान नीचे उस्मान कप्तान उस्मान विकेट के पीछे. ये बात बेहतरीन के बाद यहाँ पर यही तो मैच्योरिटी है और इसीलिए तो कहता हूँ कि मेरी मैच्योरिटी वो तब लोग के मॉल में खरीदने के लिए कभी नहीं मिलता है. मुकाबला खेलते जाएंगे तो मैच्योर होते जाएंगे तो मैच्योर गेंदबाजी यहाँ पे बेहतरीन गेंदबाजी की जी देखना. शुरुआती गेंद में पहला खेल से चौका जरूर हजम किया था लेकिन तीन गेंद तीन गोल्डन डिलीवरी तीन गिनती के लिए हुए बीजू देखना. इसका फिर एक बार बिट्टू इस बार देखिए पकड़ा हुआ गेंद एक्स्ट्रा की बाहर की गेंद वाइट के साथ खेला है एक्स्ट्रा एक रन. फिर एक बार यहाँ पर निवास करने के प्रयास खेल जाकर टकराया सीधे शरीर पर
देख सकते हैं आप और इसका फील्डिंग सेटअप नजर आ रहा है कोई मौका नहीं कोई मौका नहीं बीजू देवनाथ दिखने में छोटे हैं लेकिन कहते हैं ना ये खेल क्रिकेट है यहाँ ना आपका कद देखा जाता है ना आपका धर्म देखा जाता है यहाँ तो सिर्फ टैलेंट देखा जाता है और टैलेंट के साथ गेंदबाजी की है बीजू तीन ओवर की समाप्ति तीन ओवर के बाद इसके ऊपर आंसर का 30 विद लॉस ऑफ 1 विकेट
अब देखिए भैया गेंद है कमजोर, बल्लेबाज ने लगाया जोर और ये लीजिए आ चुका है खूबसूरत सा वो मिलेगा चौका। चलिए क्या सिंगल मिलेगा यहाँ पर, नहीं मिलेगा सिंगल। इसी के साथ यहाँ पर होगी निर्धारित 6 ओवर की समाप्ति। 6 ओवर के बाद स्कोर बोर्ड में संख्या 43 विथ लॉस ऑफ 3 विकेट। लो स्कोरिंग मुकाबला जरूर है लेकिन लो स्कोरिंग मुकाबला हमेशा क्रूशियल रहता है।